Don't be blind, tell me now, what do you see? You're created by the one above, the most merciful, the one who loves. Hello friends, मेरा नाम है सोबान और आज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ स्मार्ट वॉच HW 12 का रिव्यू। ये वॉच एप्पल वॉच 6 का रेप्लिका है और अगर आपने ये वॉच पहनी हो तो कोई भी बंदा ये गेस नहीं कर सकता कि आपने एप्पल वॉच के अलावा कोई वॉच पहनी है। इसका स्क्रीन साइज 1.57 इंचेस है और बिल्कुल बेजललेस वॉच है ये। तो चलिए आइए और देर किए बगैर इसकी क्वालिटीज और फीचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डायल साइज जो है वो हमारे पास ये देखिए 4 सेंटीमीटर है टोटल में। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास तकरीबन 25 सेंटीमीटर है। ये देखिए इसके बॉक्स, व्हाट्स इन द बॉक्स, तो हम बॉक्स में देखेंगे तो इसमें हमारे पास वॉच होगी, इसका ये मैनुअल होगा और हमारे पास ये एक इसका मैग्नेटिक चार्जर है जो इसके बैक पर इस तरह कनेक्ट हो जाता है जिसे हम इसको किसी भी यूएसबी चार्जर के साथ चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बॉक्स में इसके मोटे मोटे साइलेंट फीचर्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये इसकी ऐप का QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो हम इसकी ऐप भी हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इसके अगर वॉच डायल्स के बारे में बात करें तो हमारे पास 5 वॉच डायल्स हमारे पास इस वॉच के अंदर मौजूद हैं जिसको हम इस तरह स्वाइप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक हमारे पास एनिमेटेड वॉच डायल भी है। उसके अलावा ये देखिए ये स्टाइल 1 है, ये डिजिटल है, ये एनालॉग है, ये डिजिटल अगेन है और ये अगर एनालॉग डायल है। अच्छा, अगर हम अपनी ऐप में जाएंगे तो हमारे पास 12 वॉच डायल्स मौजूद हैं। 5 हमारे पास वॉच में हो गए, 12 हमारे पास ऐप में हो गए और उसके अलावा हम कस्टम वॉच डायल भी इसमें स्मॉल इसमें यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है कि आप इसमें कस्टम वॉच डायल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे जाएंगे स्वाइप करेंगे तो ये हार्ट रेट हमारा मेजर करती है। आगे जाएंगे तो हमारे पास इसका डाटा होता है कि आपने आपकी क्या एक्टिविटी रही है, आपके कितने स्टेप्स थे, आपका आपने कितने कैलोरीज को कंज्यूम किया है, ये सारा डाटा वो देगा। उसके बाद अगर हमारे पास ये ऐप से कनेक्ट होगी तो हमें इसका वेदर भी बताएगी कि हमारे पास करंटली क्या वेदर इस टाइम चल रहा है। उसके अलावा जो भी आप कंपोनेंट इसमें ऐड करना चाहें, लेट्स सपोज अगर आप इसमें म्यूजिक ऐड कर लेते हैं या आप इसमें हार्ट रेट वाला फंक्शन, स्पोर्ट्स वाला फंक्शन यहां ऐड कर लेते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसका ये बटन दबाएंगे यहां से तो हमारे पास ये सेटिंग्स का मेन्यू आ गया, फुल फीचर्स का मेन्यू आ गया है। इस फुल फीचर्स को आप इसको रोटेट करके ये देखिए हम इसमें जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जूम इन कर लें, उसके अलावा जो भी यहां पे फंक्शन है आप उसको जस्ट टच ऑफ अ बटन से क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, इसका डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि ये 60 हर्ट्ज पर मूव करता है और आपको पास कोई भी लैग फील आपको नहीं होता, लैग फील नहीं होता। इसका 320x320 रेजोल्यूशन है और 1.57 इंच इसका डिस्प्ले साइज है जिसकी वजह से इसके PPI भी अच्छे निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो भी हमने रिसेंट ऐप यूज की होगी, अच्छा म्यूजिक को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, आपका ट्रैक नेक्स्ट और बैक भी होता है अगर आपकी वॉच की ऐप से कनेक्ट होगी तो। उसके बाद ये देखिए आपके पास ये आ गया है, अगर आप इसके अंदर लेफ्ट स्वैप करेंगे तो ये आपके पास एक पैन आ गया है जिसके ऊपर आपके पास डेट भी आ रही है और ये मोस्ट रिसेंट ऐप का फीचर भी आ गया। ये बहुत जबरदस्त फीचर है कि अगर आपने जो भी रिसेंट ऐप खोली होगी उसको आप लेफ्ट स्वैप करके दोबारा उस फीचर्स में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसकी कॉल की बात की जाए तो ये कॉल अगर आपके इस पर कॉल आप उठा सकते हैं, इसमें स्पीकर भी है और इसके अंदर माइक भी है। मैंने इसको कॉल पे यूज करके देखा है, आपकी बहुत ही एफिशिएंटली बात होती है, आपको किसी किस्म की कॉल कटती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका ऐप से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह कि इसका जो डिस्प्ले है उसके हिसाब से इसकी बैटरी भी 4 से 5 दिन चल जाती है, वो आपके यूज पे नॉर्मल डिपेंड करता है। अगर आपका यूज बहुत ज्यादा है तो आप इसके वॉच आपकी कम चलेगी, अदरवाइज ये 4 से 5 दिन आराम से चल जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसकी मेन्यू और इसकी फीचर्स की बात करें तो इसमें कैलकुलेटर का फीचर है, कैलकुलेटर बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, आप इसमें मोटी मोटी कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये आपके पास
म्यूट का फीचर है, वाइब्रेशन आपने ऑन करनी है नहीं करनी है, साउंड ऑन करना है नहीं करना है। उसके अलावा आपके पास कैमरे का फीचर है कि अगर आपके पास से वहां पर ऐप से कैमरा ओपन होगा और आप इसको शेक करेंगे तो आपकी ये पिक्चर भी कैप्चर कर लेगा। उसके बाद यहां पर ये देखिए, इसको आपने रिबूट करना हो तो उसका फीचर है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर म्यूजिक का फीचर आ जाएगा, इसमें रीसेट का फंक्शन है फैक्ट्री रीसेट का, अगर आपने इसको फैक्ट्री रीसेट करना हो तो भी है। इसके अलावा वेदर का फीचर है, अगर आपने वेदर को कनेक्ट किया होगा तो वेदर भी आपको ये दिखाएगी। तो ये इसका सारा। उसके बाद ये देखिए ब्राइटनेस है, आप इसकी, अच्छा इसकी ब्राइटनेस इतनी अच्छी है कि आपको डे लाइट में कभी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आप इसको इजीली डे लाइट के अंदर सनलाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन के बारे में मैं इसकी लाजमन बात करूंगा कि इसका रिस्ट रेस का फंक्शन जो हम ऐप से ऑन करते हैं बहुत ही एफिशिएंट है, मतलब कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आपने अपनी रिस्ट को रेस किया हो और ये आपको वॉच का टाइम शो ना करे, तो ये भी इसका एक बहुत ही थम्स अप फीचर है। इसके अंदर हमारे पास स्पोर्ट्स फीचर भी है कि आपने जो भी स्पोर्ट्स के ऊपर करना है आप उसको उस पे सेटिंग्स में सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें आपकी ये कलर्स बंद करने को मैयर करेगा। और ये हम इसमें वापस इस डायल में आ गए हैं। ये देखिए ये डिजिटल डायल है, इसके अंदर भी फीचर्स है कि हमने कॉल करनी है। अच्छा, इससे हम कॉल भी डायल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जब से ऐप से कनेक्ट हो जाएगी तो हम इसमें डायल करेंगे तो हम इसमें डायल करके कॉल को कर भी सकते हैं, लेकिन हमें इसमें नंबर सेव होने वाला ऑप्शन नहीं है, हमें इसको मैन्युअली नंबर्स को मिलाकर जो हमें याद होंगे उससे हमने इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और फंक्शन ये भी है कि अगर आपके पास कॉल इस पे आई है और आप अपनी वॉच से कॉल उठाना नहीं जा रहे हैं तो ये भी बहुत आसान है, आप सिंपली उसको कॉल को अपने सेट से सिलेक्ट करके ब्लूटूथ को ऑफ करके अपनी कॉल को अपने फोन से भी उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं कि मेरा इसका क्या रिव्यू है। वॉच से मतलब मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आपको एप्पल वॉच सीरीज की रेप्लिका में इससे शायद अच्छी वॉच और ना मिल सके, क्योंकि ये वॉच मैंने 4450 रुपीज की बाय की थी और इस प्राइस ब्रैकेट में ये एक बहुत ही जबरदस्त वॉच है। इसकी स्क्रीन की हर्ट्ज 60 है जिसकी वजह से आपको कोई भी मूव करते हुए लैग फील नहीं होता। इसकी रेजोल्यूशन 320x320 है जिसकी वजह से ये बहुत ही कलर्स की स्कीम भी इसकी क्रिस्प है। इसकी बाकी ओवरऑल क्वालिटी, बैंड की क्वालिटी, आपके पास डैश की क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव्ड है, तो आपको मेरे ख्याल से इस प्राइस पैकेट में और अच्छी वॉच शायद ना मिले। हाँ, एक इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको इसकी अगर बैटरी थोड़ी सी और इंप्रूव होती तो ज्यादा बेहतर हो जाता। हाँ, ऐप कनेक्टिविटी के अंदर कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये कनेक्ट हो ही जाती है। वॉच में जब कॉल उठाने लगे तो वो भी बड़ी एफिशिएंटली उठाई जाती है, बात होती है, अगर आप फोन पे शिफ्ट करें वो भी बात अच्छी हो जाती है। तो ये था मेरा रिव्यू स्मार्ट वॉच HW12 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।